स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और जानकारी प्राप्त करते रहें नई नई। जी हाँ, स्वयं सहायता से जुड़ी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी सबसे पहले आपको बताया जाएगा, तो इसके लिए आपको हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नई नई जानकारियां जल्दी ही प्राप्त कीजिए और जल्द ही लाभ भी उठाइए। चलिए दीदी चलते हैं आगे। वीडियो कॉन के लिए वेदांत समूह की, जी हाँ, वीडियो कॉन के लिए वेदांत समूह की 3000 करोड़ की समाधान योजना मंजूर। इस बात को विशेष ध्यान दें, वेदांत समूह की 3000 करोड़ रुपए की समाधान योजना मंजूर। नई दिल्ली 8 जून, जी हाँ, नई दिल्ली 8 जून भाषा दिवालियापन मामलों की अदालत NCLT ने मंगलवार को अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार को 3000 करोड़ रुपए में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी। वेदांत ग्रुप की कंपनी ट्विन स्टार 90 दिनों के भीतर करीब 500 करोड़ रुपए का अग्रिम, जी हाँ, 500 करोड़ का अग्रिम भुगतान करेगी और बाकी धनराशि का भुगतान कुछ समय के भीतर गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के रूप में करेगी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT की 2 सदस्यीय मुंबई पीठ ने ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की प्रस्ताव योजना को मंजूरी दे दी। पीठ में HP चतुर्वेदी और रवि कुमार दुरई शामिल रहे। जी हाँ दीदी, 8 जून भाषा दिवालियापन मामलों की अदालत NCLT ने मंगलवार को अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार को 3000 करोड़ रुपए में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी। वेदांत ग्रुप की कंपनी ट्विन स्टार 90 दिनों के भीतर 500 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान करेगी और बाकी धनराशि का भुगतान कुछ समय के भीतर गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के रूप में करेगी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT की 2 सदस्यीय मुंबई पीठ ने ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की प्रस्ताव योजना को मंजूरी दे दी। पीठ में HP चतुर्वेदी और रवि कुमार दुरई शामिल थे। कानूनी सेवा कंपनी सदुल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर अनूप रावत ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए PTI भाषा से कहा, NCLT ने आज ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी द्वारा दायरा प्रस्ताव योजना को मंजूरी दी। रावत मामले में वीडियोकॉन स्टैंडी, जी हाँ, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के समाधान पेशेवर की मदद कर रहे थे। पीठ ने मौखिक रूप से फैसला सुनाया और फैसले की विस्तृत प्राप्ति अब तक नहीं आई है। रावत ने कहा कि यह दिवालियापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और गुणवत्ता वाले मामलों के लिए यह एक शानदार मिसाल तय करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कारोबार से जुड़ी कंपनियों की संख्या को देखते हुए यह सबसे जटिल मामलों में से एक था और काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों ने एक सफल प्रस्ताव हासिल करने के लिए लगातार मेहनत की। जी हाँ, वीडियोकॉन के लिए वेदांत समूह की 3000 करोड़ रुपए की समाधान योजना मंजूर हो गई है। एक बार समूह के लोगों ने फिर कुछ कर दिखाया। समूह में बहुत ही दम है, तो आप लोग अगर एक स्वयं सहायता समूह की महिला हैं तो अपने समूह को इतना ज़्यादा सक्रिय कर दे, दीदी लोग आप लोग अपने समूह को इतना सक्रिय कर दे कि कोई भी ऋण मंजूरी आप लोग को तुरंत कर दी जाए।
आप लोग को प्रयास करने की है ज़रूरत। एक छोटा कारोबारी दूसरे दिन बड़ा हो जाता है। कभी किसी काम को छोटा ना समझें, छोटे काम से ही बड़ा काम होता है। एक रुपया इनकम से शुरू होकर 100 रुपया तक इनकम जाती है। किसी काम को शुरुआत में जब आप करेंगी तो कम पैसे मिलते हैं। तो दीदियाँ परेशान ना होइए, कभी कितने कॉल आए, यही दीदियाँ पूछती कि इसमें तो कुछ है नहीं, मुझे 100 रुपया डेली मिलते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। शुरुआत में दीदी जब कोई भी काम आप स्टार्ट करेंगी तो कम ही पेमेंट मिलते हैं, कम ही मानदेय मिलते हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं तो अगर कोई दुकान खोलेंगे तो शुरू शुरू में कम ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि छोटा दुकान भी रहता है, उतनी दुकान की समझ भी नहीं रहती है। लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे आपका दुकान बढ़ने लगेगा, आपकी समझ पड़ने लगेगा, लेन देन करने का तरीका बदलने लगेगा, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो भी रोज़गार करें, जो भी दुकान करें, अगर आप एक स्वयं सहायता समूह की महिला हैं, समूह से ऋण लेकर कोई भी रोज़गार करिए, पहल करिए। बार बार मैं कहती हूँ कि आप लोग पहल करिए। मेरे प्रेरणा टीवी चैनल के थ्रू कितनी दीदियों ने प्रयास किया और आज अच्छा खासा इनकम करती हैं। मुझे कॉल्स आते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि हो मेरे प्रेरणा टीवी चैनल के ज़रिए किसी का मोटिवेशन हुआ, किसी के जीवन में परिवर्तन हुआ। मैं बार बार सभी दीदियों से एक ही बात कहती हूँ कि आप लोग समूह को अगर अच्छे से चलाएंगी, सक्रिय रखेंगी, चलाने का मतलब है सक्रिय रखना, बैठक करते रहिए। पहली बात जो है बैठक, ये बहुत ही ज़रूरी है। दीदियाँ अक्सर बैठक ही नहीं करवाती हैं। आप लोग एक नियम रूल ज़रूर बनाइए, टाइम फिक्स कर लीजिए, जो भी समूह की सभी दीदियाँ डिसाइड करें उस मीटिंग को आप लोग इतना महत्व दीजिए कि हम सब काम छोड़ के उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। अगर हमारा बैठक है जिस दिन को, उस बैठक को हमें नहीं टालना है। यह सभी दीदियों से चर्चा करके डिसाइड करिए, हर काम को छोड़ना है लेकिन समूह के बैठक को नहीं छोड़ना है। जी हाँ, साप्ताहिक बैठक जरूर करना है। जिस दिन आप लोग यह निर्णय ले लेंगे सभी दीदियों से मिलकर, हम लोग सब काम को एक तरफ रखेंगे, अपने समूह को मीटिंग को एक तरफ रखेंगे, उसको वरीयता पहले देंगे। जी हाँ, समूह की मीटिंग को वरीयता जब आप पहले देने लगेंगे, उसको मीटिंग जरूर करेंगी, बैठक जरूर करेंगी, बचत करेंगी, आंतरिक लेन देन समय से करेंगी, सबका लेन देन अपनी जगह, अपने समूह को लेन देन अपनी जगह। इसलिए आप जब अपने समूह को वरीयता देंगी, पहल देंगी कि हमारा समूह पहले है, उसके बाद हर कुछ, तो उस दिन आपका समूह सक्रिय हो जाएगा और अच्छी खासी इनकम भी होने लगेगी। एक बात समझने की है ज़रूरत। तो चलिए दीदी, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।